अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सब की से हम सब भी अच्छे हैं। अभी मेरे मॉर्निंग के सारे काम उम करके नहा वहा के अभी बैठ के एक नाशपाती खाया है काला नमक डाल के, और टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं लगता, 10:30 हो गया। वैसे आज रोटी मैंने बनाया नहीं नाश्ते में, रात में जो रोटी बनाया था बहुत सारा है तो इसलिए नहीं बनाया, खाने का होगा तो नाश्ता में वही खा लूँगी। अभी 10:30 ही हुआ है और अभी खाना बनाना है मुझे, दाल चावल परवल की भुजिया कल मंडी से जो लेके आए थे, तो चलती हूँ परवल छीलने के लिए, उसके बाद दाल चावल चढ़ाऊँगी, फ्रिज में से निकाल लेती हूँ। अभी मैंने परवल को फ्रिज से निकाल लिया है, पता नहीं क्यों मच्छर यहाँ लगने लगा है, अजीब सा एगो दो गो मच्छर घूम रहे हैं यहाँ पे किचन के यहाँ पे। और ये टमाटर एक सब में लगा था, वो भी भुजिया में ही डाल दूँगी, अभी रख लेती हूँ पहले इसे छीलने का काम कर। नहीं मच्छर का क्या करूँ, दवाई लाना पड़ेगा, मच्छर नहीं है एक पतंगी के जैसा कीड़ा है एकदम छोटा छोटा, तो इसे पहले छील लेती हूँ उसके बाद खाना वाना बना चढ़ाऊँगी दाल चावल। यहीं पर बैठ के छील लेते, आलू नहीं डालूँगी, रेहान को बहुत पसंद है परवल की भुजिया। मैंने इसे अच्छे से छील के धो लिया, अब इसे भुजिया बस खाते हैं। मौसम फिर से लग रहा अंधेरा अंधेरा हो रहा, कल भी जब मैं कपड़ा धो के ऊपर खिलाने गई थी तो अंधेरा अंधेरा दिखा, तो मैंने कपड़ा सूखने से पहले नीचे ला कर रख दिया, फिर रख देते हैं लगा के। आज फिर अंधेरा अंधेरा, ठंडा मौसम है, नीचे हवा नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा ऊपर दिख रहा है, बारिश लगता होगी, वैसे ही बारिश होता है तो और गर्मी हो जाती है, बिना बारिश के ठीक है। चावल मेरा बन गया, एक तरफ मैं भुजिया चढ़ा लेती हूँ, एक तरफ दाल का गैस बंद कर दिया, अभी ठंडा होने के लगा। भुजिया एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी, कुछ भी नहीं डालना, बस बिरयानी में डालना प्याज मिर्ची और नमक, बस हो गया, ज़्यादा मसाला डालने से अच्छा नहीं लगता। अभी भी फाइन ऑयल हो गया ख़त्म, इसलिए सरसों के तेल में बना चढ़ा दिया, एक तरफ चावल एक तरफ दाल, और भुजिया भी कट के तैयार हो गया, टमाटर था वो भी दे दिया, एक मिर्ची प्याज इसे में से बिरयानी में डाल दूँगी। और आज है जुमा, वैसे चिकन बनाने का प्लान था लेकिन मैंने ही मना कर दिया, पेट में सबको बहुत दर्द हो रहा है, रेहान के पापा को छोड़ के मुझे अक्सर को रेहान को सबको बहुत दर्द होता है पेट में, कल शाम को दवाई पिया ना उस टाइम से थोड़ा ठीक है अभी, तो इसीलिए मैंने चिकन के लिए मना कर दिया, सिंपल सा खाना ही खाएंगे। बस नमक डालना और कुछ भी नहीं डालना, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। मैं खाने में भुजिया चढ़ा दिया है, बस दाल में छौंक लगाना बाकी है। खाने में मैंने रात वाली सब्जी है, रोटी है, एक आम लिया है, आम देखने में ऐसा छोटा छोटा है, दूध का दाग लगा, इतना मीठा आम है, इतना मीठा, यानी छोटी सी आंटी निकलती है, बहुत मीठा लेके आ गई दोनों को। कैसा गया आज का स्कूल? बाप रे बहुत अच्छा था, खाना खाने में इतना मजा आता है ना, सब का लूट में था, मैं तो मैं खाता भी नहीं हूँ, लूटता भी है सबका, हाँ तो उसी से तो पेट भर जाता है। अच्छा सबका खा लेता है, अपना शेयर करता है, तेरा भी सब खाते, रखो धो देती हूँ, रख तो लेके जाया करो, क्यों नहीं लेके जाती? 1:30 बज गया, पापा के साथ खाना किया अकेले? पापा आज जुम्मा बोला, नमाज पढ़ के आऊँगा, खा के जाऊँगा मार्केट, आया नहीं अभी तक, जा रही हूँ मैं खाना खाने, रेहान अक्सर को खाना नहीं है, रेहान के पापा खा के बहुत 2 बजे चले गए, अभी 2:47 हो रहे हैं, पहले मैं जा रही हूँ पापड़ फ्राई करने, दाल चावल भुजिया पापड़ खाने। ये खाना मैंने अपने लिए और अक्सर के लिए, रेहान को पूछने गया खाना है तो फिर निकाल दूँगी, दाल चावल भुजिया आचार अचार पापड़। खेलने के चक्कर में नीचे भागा हुआ, जिस टाइम से आया स्कूल से नहाया है उसी टाइम से भागा हुआ, खेलने के कारण खाना खाया नहीं आ रहा था, क्या हुआ? एक ही मिर्ची डाला था, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा तीखा हो गया, एक ही मिर्ची डाला था, अल्लाह
खाना खाने के बाद थोड़ी देर खेला कूदा रिहान खाने नीचे जाके, उसके बाद सीधा गए दोनों ठीक शाम 4 बजे। अब मैं जा रही हूँ पंखा बंद करूँ काम वाम करने के लिए। बहुत सारा बर्तन जिस दिन दाल चावल भुजिया या सब्जी बनाऊँ तो बहुत सारा बर्तन हो जाता है धोने के लिए। शाम के 7 बज के अभी तक रिहान के पापा आए नहीं, और ये बिस्कुट और दूध रिहान अक्सर के लिए सुबह के लिए, तो सुबह सुबह जल्दी दुकान जाना नहीं चाहता वो, इसलिए शाम को ही मंगा लेती हूँ। मुझे दूध उबाल देती हूँ, तब तक खाने में बनाना है सिंपल सा पुलाव और चिकन। चलिए चिकन बनाने के लिए सब कुछ छीलने के लिए अदरक लहसुन टमाटर प्याज, टमाटर को भी छील को देते हैं, छील का उपयोग पर निकलना रहता है, लेकिन सब कुछ अभी छील लें, छील के पानी में रखना पतीली में। एक एक बूंदी हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। अच्छा तेरे क्लास को 5.5 को मिलता होगा कि तुझे ही मिलता है, सबसे मुश्किल है। प्याज लान होने के लिए रख दिया ऊपर से डालने के लिए पुलाव में, मसाला भी पीस लिया। चलिए चिकन धोने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था, बर्फ जम गया। बिरयानी ज़्यादा थोड़ा कर लिया क्योंकि दूसरे दिन भी जरूरत लगेगी तो सड़ेगा। चावल भी धो लिया है, पुलाव के लिए भी पानी भी फूटने के लिए चढ़ा दिया। आज दूसरे तरीके से बना रही हूँ, चिकन उकन भी धुल गया, मसाला तो पिसा है ही, बस घर बिरयानी करना चढ़ाना है। चिकन भी चढ़ा दिया, बहुत लंबा हुआ है टाइम, 8:30 हो गया। नमक थोड़ी जलने देती हूँ पानी, उसके बाद मसाला डालती हूँ। 2 हरी मिर्च ऊपर से डाल दिया, अभी ये भुना नहीं। जिस दिन से बिल्ली ने उल्ले जाकर गिरा दिया ना कढ़ाई को, 13 हो गए कढ़ाई यहाँ से। जाके खाना बन गया, यहाँ पे आके बैठ गई, थक गई वहाँ पे खड़ी खड़ी। अरे दोनों फोन में बिजी है मोबाइल में। अभी खाना देना रेहान को, भूख लगी है, 9 बज गया। थोड़ा ठंडा होने देती हूँ सब्जी, उसके बाद देती हूँ रेहान को। रेहान को जा रही हूँ देने खाना, कलर ज़्यादा नहीं डाला रेहान को, प्याज भी नहीं चाहिए, वो प्याज भी नहीं खाता, हटा हटा के देना पड़ेगा। अरे कितना टाइम हुआ, 11 बज रहा है। अब हम जा रहे खाना खाने के लिए, रात का 11 बज रहा। अक्सर ने तो खाया नहीं, उसके पेट में दर्द थोड़ा सा, दवाई पिला के सुला दिया, हमने थोड़ा सा खाया था। पेट का दर्द अक्सर का ठीक कहाँ हुआ, उतना दवाई पिलाए, दवाई पिलाने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ, खाना भी नहीं खाया।